पीछे करो आईडी। माइक लगा ले मैंने आज चुनाव लगा सात जीत एक चुनाव में आडवाणी जी आए उसके अलावा मैंने कभी किसी स्टार प्रचारक को मेरे स्टार प्रचारक को मेरे खाए मैं कभी बाहर से वर्कर भेजते हमारे पास भी भेजे थे मैंने कभी हमारे पास तो रोटी खिलाने के पैसे हमने एक हमने तो ये चुनाव अम्बाला छावनी की जनता का जितना मैं बाहर व्यक्त करूँ काम है मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को सात बार बना अरे एक बार में इतनी एंटीन के मेंसी हो जाती है कैंडिडेट की कितने उखड़ते आप देखो जो पहली बार ही उखड़ गए और साफ हो गए राजनीति में आए दोबारा सात बार और मेरे कारण हालांकि मेरे विरोध में बहुत हुआ ही करती है पर इस बार हरियाणा प्रशासन ने भी मेरा डट के हर कदम पर विरोध पहले भी यही बैठता था चुनाव अभियान के दौरान भी यही बैठता था जिस दिन नतीजे निकल रहे थे उस दिन में यही था मैं तो यही बैठता हूँ मैं तो मैंने तो हर मुकाम पर ये बात कही चुनाव में उतार चढ़ाव आए कई बुद्धिजीवियों के एक्टिव पोल आए जो कि हमारे खिलाफ आए रुझान आए कल सवेरे सवेरे जो कि हमारे खिलाफ आए लेकिन मैं अपने बयान पर अटिक रहा मैंने बार बार कहा कि सरकार बनेगी भाजपा की बिना किसी का सहयोग लिए क्योंकि मैं लोगों की नब्ज जानता हूँ मैं लोगों के बीच में रहता हूँ मुझे लोगों की बात पता होती है और मेरे जो चुनावी आकलन होते हैं वो बड़े बड़े शास्त्रियों से ज्यादा बैठे खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया और हरियाणा के परिणाम जो है अप्रत्याशित खड़गे जी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं उनको रिटायरमेंट ले लिया कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और वो कहा है कि चुनाव आयोग के समक्ष हो जाएंगे तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी जाओ ये कांग्रेस की नीति है अब छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के बच्चे भी कहते हैं कि कांग्रेस तो ईवीएम पर रुकती है जब हार जाती है रुकती है जब जीत जाती है तब बोलती नहीं ईवीएम तो एक ही है मायावती ने बसपा इनेलो की हार पर जातिवादी लोगों को जिम्मेदार ठहराया मैंने ना आज तक कभी भी जातिवादी राजनीति की और ना मैं कभी जातिवादी राजनीति पर प्रतिक्रिया दी आम आदमी पार्टी इन चुनावों में जमानत नहीं बचा पाई सासी से मेरे पिछले कई महीने से आप बयान निकाल कर मैंने आम आदमी पार्टी का नामकरण कर दिया हुआ है नया नाम अब आम आदमी पार्टी से बदल कर हो गई है ये जमानत जब पार्टी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है उनकी पार्टी खाता नहीं खोल पाई और वोट बैंक 1% पर आ गया देखिए ये तो चुनाव इसमें तो सब इन चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार गए आज देखिए जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकारा और उस नकारने का सबसे बड़ा धक्का तो प्रदेश अध्यक्ष को ही लगना चाहिए था उचाना सीट पर गजेंद्र सिंह 32 वोटों से आ गए गजेंद्र सिंह तो बम्पू है बम्पू उसको और कुछ नहीं आता बाबा बोल नहीं आता पूरा चुनाव जो था उसमें लहर कांग्रेस की कही जाती रही एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस की सरकार दिखाई
भाजपा के सभी प्रत्याशी इस बात को लेकर चिंतित थे कि लहर से नुकसान होगा, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान आपके चेहरे पर आपकी सीट को लेकर कोई शिकर नहीं थी, जबकि विपक्ष यहाँ पर भय की यात्रा निकालता रहा। क्योंकि मैं लोगों की मेरे आंकलन किसी भी प्रदेश में चुनाव हमेशा ठीक है, और मेरा वो पक्का विश्वास था। आप मेरे जब से ये चुनाव शुरू हुआ मेरे बयान निकल, मेरा एक ही बयान कि 37वीं बार हरियाणा में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी के सहयोग। आप निकाल के शुरू में मैंने कहा, मिड में मैंने कहा, जब हमारे ही बड़े नेता कह रहे थे 20-25 मैंने कहा नहीं। जिस दिन महाबुद्धिजीवियों के एग्जिट पोल आए, आई वॉज दी फर्स्ट पर्सन जिसने उसको देखा, मैंने कहा गलत है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव वाले दिन जब सुबह सुबह रुझान आए कांग्रेस सत्ता बुड्ढा साहब के ढोल बज रहे हैं, राहुल गांधी ने पूरे जलेबियों की पहली खेप भी भेज दी, कईयों ने खा भी ली खिला भी दी, उस वक्त भी आप मेरे जान निकालोगे। जब कई हमारी पार्टी वाले भी लंबे पड़े हुए, मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। क्यों क्यों बनी? क्योंकि मैं लोगों में रहता हूँ, मैं लोगों की नमक जानता हूँ, मुझे पढ़ लिया।